बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ न्यूज़ सामने आ चुकी हैं जी, जो कि मुझे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ हूँ ये खबर पढ़ने के बाद। वो कैसे है जी, पहले आपको ये बता दूँ मैं अकबरी हज के मतलब। अच्छा, सऊदी अरब में हज किस दिन पढ़ा जाएगा और ये किस दिन आ रही है जी, इसके मतलब कुछ न्यूज़ सामने आ चुकी है। यानी कि आप कैलेंडर अपना अभी चेक कर लें, मैं अभी देख रहा हूँ कैलेंडर में आपको कुछ और डेट दिखाई दे रही है, लेकिन जो न्यूज़ सामने आ चुकी है वो कुछ और है। मैं अभी आपको यहाँ पर वाजह करता हूँ। अकबरी हज के मतलब बताना चाहता हूँ वीडियो के शुरू में। जब मैंने आज से तकरीबन 7-8 साल पहले हज किया है, उस टाइम जुमे वाले दिन हज पढ़ा गया था, यानी कि अकबरी हज पढ़ा गया था। अकबरी हज बोला जाता है, यानी कि जुमा और हज का खुतबा एक साथ मिलाकर पढ़े जाते हैं, इसलिए उसको अकबरी हज कहा जाता है। अच्छा, 7-8 साल बाद अभी सुनने में आ रखा है, वो कैसे यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ पर अगर कैलेंडर हम चेक करें ना, तो कैलेंडर में जी 9 तारीख को आ रहा है अरफात डे, यानी कि 9 तारीख बरोज हफ्ता, आगे वाले महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 9 तारीख बरोज हफ्ता को हज पढ़ा जाएगा अरफात में। और 10, 11 एंड 12, यानी कि 10 तारीख को भाई कुर्बानी है जी, और आप 10 तारीख को यानी कि सिंपल फाज में अगर बात करें यहाँ पर कैलेंडर के मुताबिक इतवार वाले दिन ईद होगी जी। लेकिन सऊदी अरबिया महकमे फल्कियात की तरफ से कुछ और खबरें सामने आई हैं जी। वो ये हैं जी कि इसी माह की 29 को मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है और पूरे इम्कानात हैं जी 29 तारीख को ज़िलहज का चांद नजर आ जाएगा, यानी कि 30 तारीख को पहली चांद होगी, चांद की एक तारीख होगी, और इसी हिसाब से 8 तारीख को हज पढ़ा जाएगा। यानी कि जुमा वाले दिन कैलेंडर में हफ्ता वाला दिन आ रहा है, लेकिन जुमे वाले दिन कह दिया गया है, जुमे वाले दिन हज पढ़ा जाएगा, यानी कि 7-8 साल बाद अकबरी हज इस साल भी पढ़ा जाएगा और हफ्ता वाला दिन ईद होगी सऊदी अरबिया में। पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में जैसा कि होता है एक दिन बाद में हमारी ईद होती है, तो पाकिस्तान में तो इतवार वाले दिन फिर ईद होनी चाहिए। बहरहाल ये तो चांद देखने के बाद ही मुकम्मल डिसाइड किया जाएगा, लेकिन महकमा फल्कियात की तरफ से मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो बात कह दी जाती है 90% वैसा ही होता है, बहुत कम चांस होते हैं फिर उसको यानी कि उसमें पूरा तो बदल हो, बाकी अल्लाह का निजाम है जी, ये तो आने वाले कुछ दिनों में।